रहे हैं सीएनबीसी आवाज प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड दिव्या भास्कर और म्यूचुअल फंड पर हमने खास चर्चा की पिछले हिस्से में हमने आपको बताया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड आपको हर एक इन्वेस्टमेंट क्लास में एसेट क्लास में निवेश करने का मौका देते हैं लेकिन जब बात हो शेयर बाजार की तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि फंड मैनेजर्स जो कि आपका पैसा मैनेज करते हैं वो बाजार के बारे में क्या सोच रहे हैं क्या इस वक्त बाजार से दूर रहे या फिर पैसा लगाने का वक्त है आइए समझते हैं कि देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स जो बाजार में लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं वो बाजार के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ नवनीत मुनोत और साथ ही एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के सीआईओ तुषार प्रधान भी आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है सबसे पहले नवनीत ये बात हुई है लोगों को डर है कि एक तरफ इतने ग्लोबल मार्केट्स ऊपर नीचे भारतीय बाजारों की दिक्कतें हैं क्या इस वक्त बाजार में उतर जाएं इंतजार करें जब बहुत ज्यादा अनिश्चितता का वातावरण होता है तभी आपको वैल्यूएशन सस्ते मिलते हैं और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वही समय होता है जब आप बाजार में खरीदारी करें ताकि ज्यादा रिटर्न मिल सके और अगर आप देखें कि जो माहौल रहा है पिछले एक सालों में चाहे विश्व की अर्थव्यवस्था विश्व के बाजारों में जो स्थिति रही है और हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन ब्याज की दरें बढ़ने से या जो गवर्नमेंट में पॉलिसी पैरालिसिस का जो माहौल है उसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पर या अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी धीमी गति आ रही है तो उसकी वजह से बाजार गिर गए हैं एफआईआई का भी सेलिंग रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी पैसा नहीं लगा रहे तो इस माहौल की वजह से वैल्यूएशंस काफी सस्ते हो गए हैं और अगर हम हिस्टोरिकल एवरेज देखें पिछले 5-10 सालों का तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं 12-13 के पी पर आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं काफी लार्ज कैप्स भी बहुत सस्ते हो गए हैं तो अगर आपका थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म होराइजन है एटलीस्ट कम से कम अगर आप एक साल के लिए पैसा लगा रहे तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है सेंसेक्स कितना होगा एक साल बाद ये कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में अर्निंग्स ग्रोथ भी अगर उतनी होती है 2012-13 में तो अगले साल जब बाजार 2013 की अर्निंग्स को डिस्काउंट करना चालू करेगा अगर ये पीई भी रह जाता है तो भी शायद उतना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए नियर टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है जो विश्व के बाजारों की स्थिति है और हमारे यहाँ जो है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है बट अगर थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी सस्ते हो गए हैं सो आप अगर बाजार पर ओवरऑल व्यू नहीं लेकर अगर आप सही म्यूचुअल फंड में लगा दें और 1-2 साल का अगर व्यू लें हम तो हमेशा कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा होता है बट अगर किसी को टाइमिंग भी करनी है तो भी मेरे ख्याल में बाजार 20-25% गिर गया और काफी स्टॉक्स काफी सस्ते हो गए तो वैल्यूएशंस को देखते हुए मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए तुषार एक जो नॉर्मल बिलीफ है इन निवेशकों के मन में जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं कि किसी भी हालात में जो मेरा फंड है मेरा फंड मैनेजर मुझे पॉजिटिव रिटर्न देगा कमाई करके लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बाजार में इस हालात में ये मुश्किल है फंड मैनेजर के लिए भी इस वक्त एक पॉजिटिव रिटर्न देना अपने निवेशकों को देखिए म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करता है वो तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है जो इक्विटी फंड होता है तो आपकी जो एनएवी आएगी म्यूचुअल फंड से तो वो दैट विल बी अ डेरिवेशन ऑफ द स्टॉक्स इन द मार्केट सो इट बी वेरी डिफिकल्ट एट एनी पॉइंट टू गिव यू अ रिटर्न विच इज डिफरेंट देन द स्टॉक मार्केट सो दैट इज समथिंग विच इज हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे देश में हम हमेशा रिटर्न्स हमेशा कंपेयर करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न्स के साथ तो जैसे अभी लोग कहते हैं कि पिछले 3 साल में कोई रिटर्न नहीं आया तो ये रिटर्न हम 1 साल 2 साल या 3 साल ऐसे में कंपेयर करेंगे तो फिर वो मुश्किल होगी मगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे और कंपाउंडिंग जो होती है उससे कंपाउंडिंग पर ईयर रिटर्न हम जब बात करते हैं वो अलग होता है तो समझिए एक ही साल में आपने 70% रिटर्न जैसे 2010 में 2009 में हुआ था तो इसका ये मतलब नहीं कि 70% रिटर्न हर साल मिले मगर ये 3 साल की जो प्रॉब्लम है वो एक ही साल में आपकी हो जाती है और ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू मेक दैट काइंड ऑफ रिटर्न पर ईयर कंपाउंडेड सो देयर इज अ डिफरेंस देयर सो आई विल से दैट हैव म्यूचुअल फंड रिटर्न्स ऑलवेज बीन पॉजिटिव ओवर द लॉन्ग टर्म एवर सिंस दे हैव बीन ऑलवेज बीन पॉजिटिव इफ यू लुक बैक बट पर ईयर इट मे नॉट बी यानी कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बाजार में इस वक्त पैसा लगाने का वक्त है लेकिन बड़ा सवाल ये कि पैसा तो लगा दे लेकिन बाजार सुधरेगा कब से और सुधरेगा तो कौन से दिग्गज होंगे कौन से सेक्टर्स होंगे जो बाजार में तेजी लेकर आएंगे ये सवाल हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे और उनका जवाब देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद We'll be right back.
क्या यार, छिलका तो निकाल के दिया होता। क्या ये सब पकाओ की चक चक चुक चुक चुक, अब यही सब देखोगे या कुछ नया देखोगे? नहीं, टेल मी।